ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, तुक्का टेक्निक्स लगा सकते हैं, ताकि कई बार जब एग्जाम में हमको एक्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आता है तो किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड्स को यूज करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आर्स कोड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको नीड है कम टाइम में सेकंड अटेम्प्ट जो हमारे पास में होने वाला है जेई मेन का 2022 का, कम टाइम में अगर आपको उसके अंदर में स्कोर इंप्रूव करना है, अपने स्कोर को 140, 150, 160 या फिर 180, 190 डिपेंडिंग ऑन द स्कोर जो आप अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में लाए हो, वहां से अगर आपको 30-40 नंबर बढ़ाने हैं सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो ट्रिक्स का। उसके अंदर में आपको एक्जैक्टली समझाया गया है विद डेमोंस्ट्रेशन कि आप किस तरीके से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को यूज करके अपने स्कोर को बूस्टअप कर सकते हो कम टाइम के अंदर अंदर। आपको सारे डेमोंस्ट्रेशंस, एप्लीकेशंस, लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में मिलेंगी। आप कॉम्बो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा, एंड उसके अंदर में आपका जो 3.0 कोर्स है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। 3.0 के अंदर में आपको जून अटेम्प्ट के जेईई मेन 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे पेपर्स में जो 24 जून से 29 जून तक हुए थे, उन सब के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाया जाएगा। 180 प्लस क्वेश्चंस आपके 3.0 में कवर अप होंगे। लेकिन 3.0 किसी भी बच्चे को डायरेक्टली नहीं लेना है, अगर वो 1.0 2.0 देख रखा है तो ही 3.0 लेना है। इसलिए रिकमेंडेड रहेगा कि या तो आप कॉम्बो में एनरोल कर लो, या फिर आप पहले 1.0 2.0 देख लो, फिर उसके बाद में आप 3.0 में अलग से बाद में एनरोल कर सकते हो। बट आप अगर सीरियस हो जेईई मेन 2022 के लिए और अगर आपने हार नहीं मानी, अभी भी आप कम टाइम में चाहते हो इंप्रूव करना, सो दिस इज द टूल जिसको आप यूज करके अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ज्वाइन करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेजेस के लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पर आप जाओ, सारी डिटेल्स को पढ़ो, अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। उसके बाद में आपको 20-25 मिनट के अंदर में आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा, 1-2 घंटे के अंदर में आपको डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा, एंड 20-25 घंटे के अंदर में आप अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो और मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। साथ में आपको गूगल मीट सेशंस भी इसके अंदर में मिलेंगे। गूगल मीट सेशंस में आप मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड अपने जितने भी क्वेरीज है वो आप मेरे साथ गूगल मीट सेशंस के अंदर में पूछ सकते हो एंड स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जरूर से आप लोग इन कोर्सेज का फायदा उठा लेना। तो देखो, और यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है जेईई मेन 2020 के पेपर्स में से। यहाँ हम लोग देखेंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स किस तरीके लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स किस तरीके से लगा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग तुक्का मार सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शंस को किस तरीके से एलिमिनेट किया जाता है एग्जामिनेशन में, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर जो है देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, जेईई मेन 2022 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, 2022 का एग्जाम देने वाले हो, डायरेक्टली इस वीडियो पर आ गए हो, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में जो आपको प्लेलिस्ट दिखेगी ना, प्लेलिस्ट में जाकर के आप पास्ट के सारे एपिसोड देखना। पिछले 2-3 महीने से मैंने 80 से ज्यादा एपिसोड बनाए हैं सिर्फ जेईई मेन 2022 के लिए, है ना। ओवरऑल तो हमारा जो ट्रिक्स का जो है एपिसोड वो 450 के ऊपर जा चुका है, बट अगर हम सिर्फ 2022 के जेईई मेन की बात करें तो हमने 80 से ज्यादा एपिसोड देख चुके हैं। तो जो टेक्निक्स हमने वहां पर देख चुके हैं उसी को हम यहां पर एप्लीकेशन देख रहे हैं। कम टाइम बचा हुआ है तो मैं, बहुत सारे बच्चे हमारे वीडियोज जो है देख चुके हैं, तो मैं हर एक क्वेश्चन में डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि यहां पर ये ट्रिक क्यों लग रहा है, मैं बस उसको एप्लीकेशन दिखा रहा हूं कि जो ट्रिक हमने सीख रखी है वही किस तरीके से अप्लाई हो रहा है, राइट। तो अगर आप पहली बार आए हो, कुछ अगर आपको ना समझ में आए तो आप प्लेलिस्ट में जाना, पास्ट के वीडियोस देखना, तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और एक चीज है कि अगर आपको यूट्यूब की जो फ्री प्लेलिस्ट है ये पसंद आ रही है, इससे आपका अगर स्कोर बढ़ रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है, राइट, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो 1.0 2.0 3.0 जेईई मेन 2022 के लिए। कम टाइम आप लोगों के पास में बचा, लेकिन कम टाइम में भी आपका इंप्रूवमेंट बहुत तगड़ा होता है एक्सक्लूसिव कोर्सेज से। उसमें क्या होता है, फुल पेपर में किस तरीके से आपका माइंडसेट डेवलपमेंट होता है, वो माइंडसेट डेवलपमेंट में काम किया जाता है, और लेटेस्ट 2021-2022 के पेपर्स उसके अंदर में होते हैं, और किस तरीके से एग्जाम में आपको जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाना है, किस तरीके से एग्जाम में आपको फुल पेपर में कैसे करना है, ऑन द स्पॉट कैसे एग्जाम टाइम सिनेरियो में आपको ट्रिक्स लगाना है, ये सारी चीजें आपको जो उसके अंदर सिखाई जाएंगी, और प्रॉपर माइंडसेट डेवलपमेंट उसके साथ में होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका उसके साथ में, एंड प्रॉपर तरीके से आपको समझाया जाएगा किस तरीके से आपको पूरे पूरे पेपर में ऑन स्पॉट ट्रिक्स लगाने हैं, और लेटेस्ट 2021-22 के पेपर्स में किस तरीके से ट्रिक्स वगैरह लग रहे हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, आप अगर एकदम ही बिगनर हो तो आप कॉम्बो में या फिर 1.0 में एनरोल कर सकते हो। अगर आप बेसिक्स आपको आ गई हैं, ठीक है, तो आप 2.0 के लिए देख सकते हो, अगर आपने 1.0 देख रखा है तो। और अगर आपको बस फाइनल ब्रशअप चाहिए तो आप जून अटेम्प्ट के जो क्वेश्चंस है, फर्स्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस, वो 3.0 में है, तो आप 3.0 परचेस कर सकते हो। आपके सिचुएशन के हिसाब से जो है आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन से कोर्स में एनरोल करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे जो है मिल जाएंगी, राइट। सबसे पहले यहाँ पर 4 क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे अभी।
तो उसके लिए हम एज यूजुअल अपना एक चार्ट बनाते हैं। इस तरीके से हम एक चार्ट बना लेते हैं तो उससे क्या क्लैरिटी मिलती है हमको कि यार हाँ ये चार क्वेश्चंस हमको अटेम्प्ट करने हैं। तो 1, 2, 3, 4 ये चार क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। तो यार सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या आपको दे रखा है कि भाई जो भी चीज़ दे रखी है सिंपल सा चीज़ आप सोचो, तुक्का लगाना है आपको, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तभी आप तुक्का लगाओगे, ये नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहे तो तुक्का लगाओगे, नहीं हो रहे तभी तुक्का लगाओगे। तो यहाँ आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर आपको 2/5 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ आपको 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। जो भी चीज़ें आप एक सिंपल सा चीज़ सोचो कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 1/100 है और ये 2/100 है, क्या ये बहुत ज़्यादा छोटा नहीं हो गया कंपेयर टू दीज टू वैल्यूज़, है ना। देखो प्रोबेबिलिटी है, सॉल्व वॉल्व करेंगे, जो भी चीज़ें आएंगी, बट क्या इतनी छोटी आ जाएंगी, इतनी छोटी आ जाएंगी क्या यार, इतनी छोटी तो नहीं आएंगी ना यार। ये 2/5 है, ठीक है, 2/5 का मतलब इसको अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 40/100 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर आप 25 इसको 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 50/100 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर नीचे 50 से। तो क्या ये इतना छोटा आ जाएगा फाइनल रिजल्ट, जो भी होगा सॉल्विंग वाले नहीं आता हमको, मान लो हम नहीं आता, हम उतना पढ़े लिखे नहीं है सपोज, बट फिर भी इतना तो बेसिक है कि इतना छोटा वैल्यू नहीं आएगा सॉल्व करके। जब जब क्वेश्चन में ही ऐसे वैल्यूज है बड़े बड़े, इसके कंपेरेटिवली तो बहुत बड़े हैं ना ये वैल्यूज, तो इतना छोटा फाइनल आंसर नहीं आ सकता। तो आपको तुक्का लगाना है तो आप ए या बी में से तुक्का लगाओ, क्या आपको बात समझ में आ रही है। अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप ए या बी में से तुक्का लगाओ, 99% चांसेस यहाँ पर ए और बी में से ही आपके करेक्ट होंगे, क्या आपको बात समझ में आ रहा है। बच्चा बच्चा बोल देगा यार जब ये इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो इतना है तो फाइनल आंसर जो है जिसमें बोथ ऑफ देम ऑकर है वो इतना छोटा नहीं हो सकता, ये कोई भी बता देगा, ठीक है। तो उस बेस पर हम दो ऑप्शन को यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे, इसको हम कहते हैं बेसिक ऑब्जर्वेशन। बेसिक ऑब्जर्वेशन पर हमने दो ऑप्शन को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हमारा एक्सट्रीम का फंडा यूज करते हैं, एक्सट्रीम का फंडा, ठीक है। आपको मैं पहले क्वेश्चन नंबर 4th में दिखा देता हूँ तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में और अच्छे से समझ में आएगा। एक्सट्रीम में क्या होता है, हम सबसे बड़े वैल्यू को, जैसे यहाँ पर 34 सबसे बड़ा वैल्यू है, और सबसे छोटे वैल्यू को, जैसे यहाँ पर 29 सबसे छोटा वैल्यू है, तो सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू को हम एलिमिनेट करते हैं। बीच वाले जो वैल्यूज है ना 31, 32, मतलब इन चारों में से कंपेयर करके जो सबसे बड़ा वैल्यू उसको काट दो और जो सबसे छोटा वैल्यू उसको काट दो, बीच वाले वैल्यूज में से आप तुक्का लगाओ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए और बी में से तुक्का लगाते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम का एलिमिनेशन टेक्निक, ठीक है। अब ये क्यों होता है यार, ये इसलिए होता है क्योंकि बीच में जब आंसर रहता है ना तो जो टीचर होता है जिसने क्वेश्चन बनाया होता है उसको एक ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ यार उसका जो करेक्ट आंसर है वो इजीली विजिबल नहीं है। कोने में आंसर होने से क्या होता है, ऐसा फीलिंग आता है कि करेक्ट आंसर इजीली एक्सपोज हो गया। तो कोई भी टीचर नहीं चाहता कि उसका करेक्ट आंसर कोने में दिख जाए। 10 में से 7-8 बार आप देखोगे कि आपका करेक्ट आंसर बीच में ही कहीं छुपा हुआ होता है, इससे एक अच्छी फीलिंग आती है कि हमारा आंसर कहीं छुपा हुआ है बीच में। कोने में क्या होता है ना, वो लगता है कि एक्सपोज हो गया। तो आप भी कभी क्वेश्चन बनाओगे ना, अगर देखो 34 यहां पर आंसर होता ना तो आपका मन करता कि एक ऑप्शन 36 डाल दे, समझ रहे हो। अगर 29 यहां पर आंसर होता ना तो आपका मन होता कि ऑप्शन 27 या 25 भी डाल दें। तो ये अंदर से एक फीलिंग आती है, ह्यूमन बिहेवियर है। तो उस बेसिस पर हम यहां पर ए और बी में से तुक्का लगाएंगे। उसी तरीके से आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो एक्सट्रीम में। सिंगलटन मतलब एक, एम्प्टी मतलब 0, एटलीस्ट 4 मतलब 4 से ज्यादा, है ना, एग्जैक्टली 2 मतलब 2, ठीक है। तो ये भी काइंड ऑफ एक्सट्रीम ही हो गया, 4 सबसे बड़ा वैल्यू हो गया 4 या 4 से ज्यादा, है ना, 0 सबसे छोटा वैल्यू हो गया। तो आप बीच वाले वैल्यूज जो हमारा सिंगलटन है या फिर 2 है, 1 या फिर 2, इसमें आप तुक्का लगा सकते हो। तो ए और डी में से आप तुक्का लगाओगे तो सही होने के चांसेस बहुत आपके ज्यादा होंगे, ठीक है। देखो हमारा काम ये नहीं है कि हम सारे क्वेश्चन सही करें, हमारा काम बस ये है कि हमारा ओवरऑल पॉजिटिव स्कोर होकर के आ जाए। सोचो इस चार क्वेश्चन में से अगर आपने 2 भी सही कर दिए तो आपने 6 मार्क्स का इंक्रीमेंट किया, है ना। यही हमारा मोटो है कि भाई ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि देखो सोचो अगर आपका टारगेट 180 है जेई मेन में, आपसे अगर 140 मार्क्स का ही सॉल्व हो रहा है तो आप 140 सॉल्व करके छोड़ के आ जाओगे तो आपको थोड़ी ना 180 आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। तो आप तो वैसे भी हार गए, आपके पास खोने को कुछ है ही नहीं। अगर आपसे सॉल्व कम हो रहा है, आपका सपना ज्यादा है, तो आपको बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट तो करने पड़ेंगे ना, तभी तो आपका स्कोर बढ़ेगा। बिना अटेम्प्ट के तो वैसे भी नहीं बढ़ेगा, समझ रहे हो बात को आप, राइट। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3rd में। तो इससे मैंने आप लोगों को बहुत ही क्लियरली बताया था, हर एपिसोड में बताता जा रहा हूँ, अगर आपको चार ऑप्शन ऐसे दिखते हैं y, z, x, माइनस x, इस टाइप के अगर आपको चार ऑप्शन दिखते हैं तो आपको x या फिर माइनस x में से तुक्का लगाना है। कई बार बताया आपको, तो यहाँ पर भी आप अगर देखो तो आपको यहाँ पर हाफ और माइनस हाफ इन दोनों में से जो है आपको तुक्का लगाना है। क्या बात, आपको बात समझ में आ रही है। अब ये क्यों होता है, अभी मैंने आपको समझाया था, क्योंकि यार देखो क्या होता है ना, टीचर के पास में एक करेक्ट आंसर होता है, उसके बेस पे वो बाकी ऑप्शंस को बनाता है। तो बाकी ऑप्शंस बनाना इतना आसान काम नहीं होता, उसमें भी क्या थोड़ा सोचना पड़ता है। अब इंडिया में क्या हर लोग आलसी होते हैं, तो क्या होता है, टीचर क्या करता है, एक ऑप्शन उसको जो पता होता है उसको ही रेसिप्रोकल कर देता है या उसी का प्लस माइनस चेंज कर देता है, दूसरा ऑप्शन बना देता है। उसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, एक ऑप्शन उसको फोकट के मिल जाते हैं, समझ रहे हो। तो या तो माइनस हाफ को हाफ बना दिया या तो हाफ को माइनस हाफ बना दिया, आपको इन दोनों में से तुक्का लगाना है। बट फिर आप ध्यान से देखोगे तो आपको 3 ऑप्शन नेगेटिव दिखेंगे यहाँ पे,
है ना, तीन ऑप्शन नेगेटिव है, एक ऑप्शन पॉजिटिव है, तो बहुत हाई चांसेस बनता है कि नेगेटिव में आंसर होगा। जो चीज आपको ज्यादा बार दिखता है करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा होता है। मैं कई बार आपको कहता हूं जो चीज आपको ज्यादा बार दिखता है करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा होता है। तो यहां पर आपको तीन बार नेगेटिव दिख रहा है, एक बार पॉजिटिव दिख रहा है, तो नेगेटिव में करेक्ट आंसर छुपने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है यहां पर। तो आप बी सी डी में से यहां पर तुक्का लगाओगे, लेकिन हमने ए और सी में से तुक्का लगाना है। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन क्या है तुक्का लगाने के लिए, सी है। ठीक है, तो उसमें दोनों चीजें इंक्लूड हो गई, माइनस साइन भी इंक्लूड हो गया और वो प्लस एक्स माइनस एक्स वाला लॉजिक भी हमारा इंक्लूड हो गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सी ऑप्शन में तुक्का लगाएंगे। अब आप लोग क्या करो, कमेंट में जाके आप वीडियो को पॉज करो, कमेंट में जाओ, कमेंट में जाके आप लिखो कि इन चार क्वेश्चन का आप क्या तुक्का लगाओगे। फर्स्ट का ए बी में से क्या लगाओगे, सेकंड का ए डी में से क्या लगाओगे, फोर्थ का ए बी में से क्या लगाओगे। नीचे जाके कमेंट करो वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आपको इसके करेक्ट आंसर की बताता हूं जो हमारे पास में बुक में आंसर के दिए हुए वो। तो इसके जो करेक्ट आंसर के दिए हुए हैं वो हमको दिए हुए हैं ए ए सी बी, ए ए सी बी, ए ए सी बी, ये हमको इसके जो करेक्ट आंसर की दिए हुए हैं। आप सॉल्व करके भी वेरीफाई कर लेना, कभी कभी बुक में आंसर के गलत भी हो जाते हैं 1-2% टाइम, 98% टाइम सही रहते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देखा है, मैं बस तुक्के टेक्निक्स लगाता हूँ, आंसर की देखता हूँ और आपको आकर के वीडियो दे देता हूँ। लेकिन कभी कभी आंसर की थोड़े बहुत गलत होते हैं, तो आप खुद से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेना, ठीक है ना। और ट्रिक्स वगैरह जो है वो 100% टाइम्स काम भी नहीं करती, कभी कभी आपके ट्रिक्स जो गलत होंगे, ये आपको मेंटली प्रिपेयर करके ही चलना है। तो इसके जो करेक्ट आंसर्स है वो हमारे पास में है ए ए सी बी, ए यहाँ पर हो जाएगा ए, फिर हमारे पास में यहाँ पर हो जाएगा सी और यहाँ पर हो जाएगा बी, ठीक है ना। ये हमारे पास में ए ए सी एंड बी, ये हमारे पास में करेक्ट आंसर्स हैं। अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके इन चार में से कितने सही हुए, चार में से आपके तीन सही हुए, दो सही हुए, एक सही हुआ, आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपके चारों सही हुए तो आपने 16 नंबर बूस्ट किया, तीन सही हुए तो आपने 11 नंबर बूस्ट किया, दो सही हुए तो आपने 6 नंबर बूस्ट किया, है ना। और अगर आपके एक ही सही हुए तो आपने एक नंबर यहाँ पर बूस्ट किया, बट मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चों के यार यहाँ पर 11 या फिर 6 नंबर बूस्ट अप हो गए होंगे, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।